हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चाक इंडस्ट्री अकेडमी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इसका जवाब होगा लेड, यानी कि सीसा। इसको हम पीबी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका जवाब है 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रमुख थे। अगला प्रश्न, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो जवाब होगा गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो इसका जवाब है 9.46 × 10^12 किलोमीटर। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो इसका जवाब होगा सूर्य किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब होगा 640। अगला प्रश्न, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो इसका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जवाब है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका जवाब होगा आपका द्रव्यमान। हम जानते हैं कि संवेग का सूत्र होता है p = m×v। तो संवेग को और आपने जब वेग को इन दोनों का अनुपात लिया तो ये बराबर हो जाएगा m, यानी द्रव्यमान के। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब होगा जेबी कृपलानी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो ये होता है असमांगी मिश्रण, यानी कि जिसमें कि दोनों तत्वों को आप बहुत ही आसानी से अलग अलग छांट सकते हैं। एक होता है असमांगी मिश्रण, जिसमें कि आप पदार्थों को अलग नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने दूध में पानी मिला दिया तो ये एक समांगी मिश्रण हुआ, या चीनी में पानी घोल दिया ये समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी में जैसे आपने पानी में बालू मिला दी, तो आप देखोगे कि पानी और बालू दोनों के कण अलग अलग रहते हैं, ये आपस में मिलते नहीं हैं, आप उनको आसानी से अलग कर सकते हो, तो ये कहलाते हैं हमारे असमांगी मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो इसका जवाब है शाइस्ता खां को। यहूदी मेनुहेन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो इसका जवाब होगा वायलिन। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, यह कहलाता है सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो इसका जवाब होगा हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब होगा कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद अली खां को अपना वजीर बनाएं? तो इसका जवाब होगा औरंगजेब। विटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जवाब है पॉप गायकी से। दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू मोटिवेट अस सो दैट वी आर कीप गोइंग ऑन मेकिंग दिस काइंड्स ऑफ वीडियोस फॉर यू। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर 9045220432। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।